तो दोस्तों, आज भारत के वैज्ञानिकों ने अपनी मेहनत के दम पर एक ऐसा मुकाम हासिल किया है जिस मुकाम पर पहुंचने के बाद जो पश्चिमी देश कल तक भारत की बुराई करते थे और भारत पर हंसते थे कि ये कैसा गरीब देश है, ये कुछ नहीं कर पाएगा, आज वही पश्चिमी देश भारत से मदद मांग रहे हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हम पर इतने सालों तक राज करने वाले अंग्रेज भी आज भारत की सहायता चाहते हैं ताकि उनके सैटेलाइटों को अंतरिक्ष में छोड़ा जाए। दरअसल यूके की एक कंपनी है वनवेव, और इस वनवेव नाम की कंपनी ने भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के साथ एक समझौता किया है जिसके तहत वनवेव के जो 36 सैटेलाइट हैं उनको अब भारत की जो कंपनी है इसरो वो लॉन्च करने वाली है। और स्क्रीन के ऊपर आप सभी एक स्क्रीनशॉट भी देख सकते हो जिसके माध्यम से यह जानकारी दी गई है कि अब यूके की कंपनी ने भारत की कंपनी इसरो के एक जो अंग है जिसका नाम न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है उससे मदद मांगी है और के साथ समझौता किया है ताकि वनवेव के 36 सैटेलाइटों को इसी महीने के अंत तक अंतरिक्ष के अंदर स्थापित किया जाए। अब दोस्तों, जो वनवेव नाम की कंपनी है वो अपने सैटेलाइटों के माध्यम से पूरी दुनिया के हर एक कोने तक इंटरनेट सेवा को पहुंचाना चाहती है, इसलिए पूरी दुनिया के ऊपर यह एक सैटेलाइटों का एक जाल बिछा रही है जिसके माध्यम से पूरी दुनिया के दुर्गम से दुर्गम कोनों तक इंटरनेट सुविधा पहुंच जाएगी। और इसके लिए वनवेव ने भारत की स्पेस एजेंसी इसरो बहुत बड़ी मदद मांगी ताकि वनवेव के जो 36 सैटेलाइट हैं उनको भारत की स्पेस एजेंसी इसरो लॉन्च कर दे। और आप सभी को बता दूं कि भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो इसी महीने के अंत तक अपने GSLV मार्क 3 नाम के रॉकेट से वनवेव के 36 सैटेलाइटों को अंतरिक्ष में लॉन्च करने वाली है। और यह हमारे सतीश धवन स्पेस स्टेशन के माध्यम से न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की तरफ से लॉन्च किए जाएंगे। और जो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है वो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो की ही एक शाखा है। और यह भारतीयों के लिए एक बहुत बड़ी गर्व की बात है कि कल तक जिन अंग्रेजों ने भारत के ऊपर राज किया आज वही अंग्रेज भारत से मदद मांग रहे हैं ताकि उनकी भारत मदद कर सके और अंतरिक्ष के क्षेत्र में वो जो काम करना चाहते हैं वो काम हो पाए। फिलहाल में भारतीय वैज्ञानिकों की इस मेहनत के ऊपर आप सभी की क्या राय है और भारतीय वैज्ञानिकों के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद अवश्य लिखिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।